और आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें अब चले करते हैं हमारे इस वीडियो की शुरुआत और पहले जानते हैं कि ये जो है किज बाई केज ये एक्चुअली है क्या अब देखिए ये जो ब्रांड है इसे रिसेंटली लॉन्च किया है रिकी केज ने जो कि एक मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड विनर है हैम्स फ्राम माई बैकग्राउंड जहां पर म्यूजिक उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है अब ऐसे में उन्होंने इस हेडफोन को लॉन्च किया और उनका आइडिया ये है दिस शुड डिलीवर प्योर साउंड प्योर म्यूजिक एक्सपीरियंस नॉट जस्ट हाई बेस और नॉट जस्ट लाइक कि बस गाना सुना के थम्पिंग बेस देना ऐसा नहीं बट प्योर म्यूजिक शुड बी एक्सपीरियंस बाई पीपल अब इसी आईडी हाथ में ये जो ब्रांड है लॉन्च की गई है और ये है इसका पहला प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे ए वी नाइन हंड्रेड विच इज अ प्रीमियम क्वालिटी हेडफोन अब ऐसे में बॉक्स में क्या मिलता है पहले वो देख लेते हैं अब देखिए जो बॉक्स है ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मिलता है एंड बाय द इसके दो हेडफोन कलर आते हैं वन इज दिस बेच कलर अदर आई थिंक ब्लैक कलर मेरे पास यहाँ पे बेच है दिस इज केज बाय केज और मॉडल नंबर है यहाँ पे क्रिएटेड बाय मल्टीपल ग्रेवी अवार्ड विनर रिक्की केज और यहाँ पे वायरलेस सिग्नेचर डिजाइन मिलता है आपको एंड्रॉइड आई दोनों पर काम करेगा नॉइस कैंसलेशन भी मिलती है बाकी आपको यहाँ पे म्यूजिक uh, प्लेबैक जो मिलता है वो 20 घंटे का है और कुछ फीचर्स लिखे गए हैं सो लेट्स ओपन द बॉक्स फर्स्ट एंड चेक की यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको किस तरह का पैकेजिंग वाला मिलता है आप जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हार्ड केस मिलेगा और एक यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअल है इसका जो हार्ड केस है वो काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज पहली कहीं ट्रैवल करना है आपको तो आपको कुछ भी और पैकेजिंग की जरूरत नहीं है आप बस आपका हेडफोन यहाँ रखिए और आराम से लेकर निकल जाइए काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का प्रीमियम सा पैक मिलता है आपको यहाँ पे और ये जो मैनुअल है यहाँ पर आपको आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस तरह से यूज़ करना है वॉट ऑल फीचर्स इज़ आदे एवरीथिंग इज ऑल रिटर्न इन दिस मैनुअल अब इसको अगर ओपन करें यहाँ पे तो हमें सबसे सामने की तरफ लिखा हुआ रखा हुआ मिलेगा हमारा हेडफोन और बीच में यहाँ पर एक ये पाउच है जो कि वेलवेट का है कैरिंग पाउच ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा गया है इस कैरिंग पाउच के अंदर हमें कुछ वायर्स मिलेंगे वन इज योर चार्जिंग केबल नदर इज योर एयरलाइन अडेप्टर और उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑक्स केबल भी दी गई है जो कि काफ़ी लंबी है और बिकॉज ऑफ दिस ऑक्स केबल आप इसको ब्लूटूथ के साथ में डायरेक्टली ऑक्स से भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी ये है हमारा हेडफोन जो कि काफ़ी तरीके से यहाँ रखा हुआ है विच लुक्स प्रीमियम और यहाँ पे एज दिस ब्रांड हैज़ प्रोमिस्ड कि ये प्योरली प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए बनाई गई है सो दैट इज़ ट्रू टू द पैकेजिंग एज वेल अब यहाँ पे जो जो हेडफोन है कुछ इस तरह का दिखता है इसका जो बिल्ट है वो मेटल और प्लास्टिक के साथ बनाया गया है यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग मिलती है केज बाई केज की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर टॉपे भी दी गई है बाकी आपको आपके कप्स के ऊपर ये कप्स के ऊपर यहाँ पे केज पैकेज की के ब्रांडिंग मिलती है जो हिंज हैं वो मेटल के हैं काफ़ी स्टर्डी हैं और बहुत ही सॉफ्ट क्लॉज टाइप के आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रीमियम वाली फील यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है अब ऐसे में इस हेडफोन को पहनना भी काफ़ी कम्फर्टेबल uh, है इसका रीज़न ये है कि ये जो उसकी क्वेश्चनिंग है ये काफ़ी काफ़ी सॉफ्ट है और क्योंकि इसका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इसको बहुत लंबे टाइम तक भी पहनते हैं आप कहीं फ्लाइट में है तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट यहाँ पर नहीं होगा आई हैव ट्राइड दिस वेयरिंग मे बी फॉर टू टू थ्री आवर्स मैंने एक मूवी पूरी इसमें uh, पहन के उसको देखी थी तो वेरी कंफर्टेबल टू वेयर और जो कुशनिंग वाला है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी गई है अब यहाँ पर आपको जो uh, जो साउंड ड्राइवर्स मिलते हैं वो फोर्टी एम एम के हैं और uh, यहाँ पर जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो प्योर थम्पिंग बेस्ड नहीं है दिस इज़ मोर अबाउट अ बैलेंस साउंड जहाँ पर आपको हर नोट बहुत

वो मीनिएस भी है टाइप सी नहीं है विच इज़ नॉट सो कंफर्टेबल थिंग बट शायद आपको अगर टाइप सी मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता बाकी यहाँ बाइक मिलता है आपको आपका ऑक्स केबल आप यहाँ लगा सकते हैं बाकी एक आपको यहाँ पे बटन मिलता है विच इज योर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मतलब अगर आपने हेडफोन ऑन भी नहीं किया है आप डायरेक्टली सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन करके भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको फालतू की आवाज़ यहाँ पर नहीं आएगी बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे यहाँ जो ए है वो एटीन टू ट्वेंटी डिसबल का तो नॉइस कैंसिल करता है बट आपको यहाँ पे पैसिव नॉइस कैंसिलेशन या फिर पैसिव नॉइस आइसोलेशन वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है देखिए मैंने इसको पहना है और मुझे बाहर का जो ए का आवाज़ है वो बहुत ही कम सुन रहा है तो इसका जो नॉइस मतलब जो जो बाहर का जो ईयर कप के कारण जो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है वो भी काफ़ी अच्छा है विच इज़ डेफिनेटली वन गुड एडवाटेज फॉर दिस हेडफोन अब यहाँ पर अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको एक तो मिनिय से मिलती है थोड़ी सी गड़बड़ है बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको फोर हंड्रेड की बैटरी मिलती है टोटल प्ले बैक इज़ अराउंड ट्वेंटी आवर्स अगर आपने मान लीजिए ए एन सी ऑन रखा तो करीबन पंद्रह घंटे का आपको यहाँ पे प्ले बैक मिलने वाला है बाकी दस मिनट के चार्ज पर करीबन ढाई घंटा ये चलता है और फुल चार्ज के लिए आपको करीबन यहाँ पे डेढ़ घंटे का टाइम देना होगा अब ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो भी प्रीमियम है नाउ दिस हेडफोन्स कम्स एट अ प्राइस ऑफ अराउंड एट टू नाइन थाउजेंड विच अब ऐसे में जो बाइंग लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ चेक कर सकते हैं बाकी ये जो प्राइस रेंज है ना आठ

कोई क्वेश्चन हैं इस हेडफोन से जुड़े या तो कोई भी और क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग दिस म्यूजिक हाउ ऑल आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं मेरा जो हैंडल है वो है वह और आप मुझे वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब ऐसे में ये था थाज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड